दीपेंद्र के जन्मदिन पर कड़ाके की ठंड में रक्तदान करने उमड़ा सैलाब। रेवाड़ी, नारनौल, दिल्ली और नुहू की टीम रक्त एकत्रित करने के लिए पहुंची। डॉक्टर बोले, कैंप में युवाओं की ऐसी भीड़ और रक्त देने का उत्साह नहीं देखा। शिविर के आयोजक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महावीर मसानी बोले, ये सब अहिरवाल और खासकर रेवाड़ी की जनता का दीपेंद्र हुड्डा के प्रति प्यार है। महावीर मसानी की टीम ने खुद के कैंप का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 714 यूनिट रक्त एकत्रित किया। संसाधन कम रहने से काफी संख्या से लोग वापस घर लौट गए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन टीम दीपेंद्र के बैनर तले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महावीर मसानी के नेतृत्व में विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। रेवाड़ी शहर के हुड्डा बाईपास स्थित रॉयल गार्डन में आयोजित इस रक्तदान शिविर में कड़ाके की ठंड के बीच जोश के साथ युवाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। शिविर में रक्त एकत्रित करने के लिए रेवाड़ी, नारनौल, दिल्ली के अलावा नुहू के नल्लड़ मेडिकल कॉलेज से टीमें बुलाई गई। चार अलग अलग टीमों ने कई एकड़ में फैले रॉयल गार्डन में जब रक्त एकत्रित करना शुरू किया तो कड़ाके की ठंड में पसीने छूट गए। युवाओं की ऐसी भीड़ उमड़ी कि डॉक्टरों की टीम को ही संसाधन की कमी का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए गए। शिविर सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ साथ नारी शक्ति ने भी भागीदारी दिखाई। महिलाओं ने रक्तदान करने का ऐसा उत्साह दिखाया कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। शिविर में रेवाड़ी विधानसभा में महावीर यादव मसानी ने जुड़े युवाओं से उपस्थिति दर्ज कराई। शिविर में कुल 714 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें रेवाड़ी की टीम ने 250, नुहू की टीम ने 175, दिल्ली की टीम ने 201 व नारनौल की टीम ने 88 यूनिट रक्त एकत्रित किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महावीर मसानी ने कहा कि हमारे लोकप्रिय सांसद और भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन को हर साल हम सामाजिक सरोकार के साथ मनाते हैं। हमने सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर पहले भी काफ़ी बार रक्तदान शिविर लगाए हैं। ये हमारा 9वां रक्तदान शिविर था। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के प्रति अहिरवाल और खासकर अहिरवाल की राजधानी कहे जाने वाले रेवाड़ी की जनता का प्यार इस रक्तदान शिविर में दिखाई दिया। अपने प्यारे नेता के जन्मदिन पर हर कोई रक्तदान करने के लिए उत्साहित दिखा। महावीर मसानी ने कहा कि जैसे चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को अहिरवाल की जनता से प्यार है, ठीक उसी तरह इलाके की जनता ने उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें कड़ाके की ठंड में जनहित के लिए रक्तदान शिविर में इतनी भारी संख्या में पहुंचकर बधाई दी। आज के आयोजन के बारे में क्या कुछ कहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए। आज हमारे लोकप्रिय सांसद हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष में रक्तदान शिविर लगाया है। हमने चार टीमें आई है, रेवाड़ी, नारनौल, नल्लड़, नू और दिल्ली। तो अब तक लगभग 450 यूनिट के लगभग डोनेट हो चुका। ये हमारा 9वां कैंप है। हम लगभग हर दफ़ा कैंप लगा रहे हैं और ये हमारा 9वां कैंप है। इससे पहले अगर बात करें तो रेवाड़ी का जो इतिहास रचा गया है ब्लड डोनेशन में, वो आपके द्वारा ही आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में हुआ है जी। कितना रिकॉर्ड था अब तक? वो 571 था जी। आप लगता है कि कहीं ना कहीं आज और भी ऊँचाइयों पर जाएगा? अब मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मेरे भाई लगे हुए हैं। देखो अब जब तक ये कैंप चलेगा लास्ट में बता पाएंगे कि कितनी यूनिट होगी। लेकिन हमारे अहिरवाल का, लोगों का, रेवाड़ी की के लोगों का इतना प्यार प्रेम दीपेंद्र भाई से जो है, ये लग रहा है कि अहिरवाल की राजधानी रेवाड़ी में इतना भारी जन सैलाब जो ब्लड देने के लिए आया हुआ है, लाइन लगी हुई है। आप भी देख रहे होंगे और ये मीडिया के और भाई है, ये भी देख रहे होंगे कि इतनी लंबी लाइन लगी, इतनी भारी बड़ी संख्या यहाँ। कहीं ना इसको राजनीतिक उसमें भी देख सकते हैं, आगे की तैयारी को लेकर देख सकते हैं? नहीं, ये सामाजिक काम है, ये हम 9 दफा से लगा रहे हैं। ये 9वां कैंप है हमारा, रक्तदान शिविर 9वां है। और अपने देश की नागरिक, एक आज का ये जो सबसे पहले धन्यवाद उस जन को, उस सोच को जिन्होंने आज ये सब प्रस्तुत किया है, ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। महावीर मसानी जी जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जी के 46 जन्मदिन पर ये प्रेजेंटेशन किया है, ये ऑर्गेनाइज किया है डोनेशन कैंप। और ये आम लोगों की यहाँ पे भीड़ देखकर भी लग रहा है कि जागरूक हो गई है जनता, जो इतने लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो गए, प्रेजेंट है यहाँ पर, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डोनेट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और भी जनता किसे अपील है, ये अनुरोध है कि वो और ज़्यादा संख्या में आए और इसको एक सफल तो लग ही रहा है, सफल होता हुआ कि इतने प्रेजेंट हैं यहाँ पे लोग।
और भी ज़्यादा में आए, ताकि और इतने इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये गलत धारणाएं किन लोगों के दिमागों में है कि हमें नहीं देना चाहिए या फिर किसी को बीमारी हो सकती है या इट्स अ क्रिटिकल टू यू नो द हेल्थ लाइफ, क्रिटिकल टू द लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोगे इट मेक्स द ब्लड विद इन 1-2 वीक्स वापस रिकवरी हो जाती है। एंड यू नो ये जो है हमारे ब्लड को अगर हम डोनेट करते हैं और फिर से हमारा ब्लड इतनी जल्दी बनेगा, इट मेक्स द ब्लड थिन। जो हम नहीं करने वाले लोगों का ब्लड दिन पे दिन वो थिक होता जाता है, इट कैन क्रिएट अ हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ये कैंप लगना चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और आज के दिन वोमेन यहाँ पर प्रेजेंट है, इंस्टेड ऑफ इन कंपैरिजन टू ऑफकोर्स मेंस ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोमेन्स भी आगे आए। और आज हमने तो दिखाई दिया इतने लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होकर, तो वोमेन एम्पावरमेंट जिंदाबाद। यस, हिप हिप हुर्रे। हाँ, मैं जैसे कि मैम ने बताया कि खून देना एक बहुत अच्छी बात है, तो मैं भी जितने लोग आए उनका एक धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इसको अच्छा निभाया। प्लस में जिन्होंने नहीं दिया उनसे एक अनुरोध करूंगी कि ये खून देना एक अच्छी बात है, देते रहिए, इससे खून की रिकवरी अच्छी से होगी, कोई भी हेल्थ इशू नहीं होंगे। तो कैंप को बनाए रखिए, मेरा साथ उनके साथ है। भूपेंद्र हुड्डा जी को मैं उनके 46 बर्थडे पे बधाई देती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि आगे इसी तरह का कैंप लगाते रहें ताकि लोग अवेयर रहें। धन्यवाद सर। मैं पूनम यादव फ्रॉम डॉन बॉस्को स्कूल से, हम पूरा परिवार आज प्रस्तुत हुए हैं यहाँ पर ब्लड डोनेट के लिए। और आज भूपेंद्र जी के 46वें जन्मदिन पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे DBPS फैमिली की तरफ से। तो और ब्लड देना देखिए एक बहुत ही गुड थिंग्स है ये ह्यूमन के लिए, और इससे न्यू ब्लड सेल्स भी बनती हैं, और जो ब्लड ब्लॉट्स जो बनते हैं हमारी बॉडी में वो उससे जो हार्ट अटैक जैसी जो बीमारियां जो होती हैं उनसे हमें निवारण मिलता है। सो मैं चाहूँगी कि आप सभी इस योगदान के इसमें योगदान दें अपना और आगे बढ़ के इसको अहम भूमिका निभाएं।